हूँ आर्किटेक्ट हर्ष जी। यहाँ पर जो अयोध्या के में ये एयरपोर्ट बन रहा है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसका डिज़ाइन सबसे अलग है। आजकल के टाइम में जहाँ एयरपोर्ट आधुनिक होते हैं, वहीं ये माइथोलॉजिकल भी है आधुनिक होने के साथ। आई थिंक यही इसकी खासियत है कि जहाँ पर हम सारे एयरपोर्ट सारे हर जगह जहाँ पे देखते हैं वो एक मॉडर्न उसमें होते हैं, डिज़ाइन में होते हैं, बाहर से भी अंदर से भी। बट यहाँ पे एक मैंडेट दिया गया था कि वी शुड अमेलगमेट वर्नैकुलर आर्किटेक्चर विद दी दैट इज़ प्रेवलेंट इन दी इथॉस ऑफ द सिटी विद दी टर्मिनल डिज़ाइन। एंड वो बहुत हद तक एक सक्सेसफुल एक एक्टिविटी रही है। दिस इज़ वेयर वी स्टैंड एंड वी आर प्राउड ऑफ इट एज अ मैंडेट कि येस वी हैव बीन एबल टू अचीव समथिंग वर्नैकुलर फॉर विच इंडिया इज़ नोन वर्ल्ड वाइड। इसके साथ ही यहाँ का जो डिज़ाइन है वो अयोध्या के इतिहास को किस तरह से प्रदर्शित करता है? अयोध्या का देखिए, अगर हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या अपने आप में भारत की एक इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अयोध्या, इट इज़ एसोसिएटेड विद रामायण। अब रामायण में जो हमारे सात कांड हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो हमारे डिपिक्ट हुए हैं इनके कॉलम्स के साथ। तो हमारे सात कॉलम्स हैं, मेन मेगा कॉलम्स जिनको हम कहते हैं, जो शिखर हैं उनकी हम बात करते हैं। सो इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं हमारी बिल्डिंग के, जो कि विच इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दी ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग। इसके साथ ही आज के समय में जब हम एयरपोर्ट्स को देखते हैं तो उनका एक अलग डिज़ाइन होता है, लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं है। आपको लगता है इसमें इमारत का डिज़ाइन किस तरह से बनाया गया और इसको लेकर के क्या कुछ काम किया गया? नहीं देखिए, डिज़ाइन जो जहाँ तक होता है, आप कोई भी दुनिया में एयरपोर्ट देखिए, कई बार बहुत मॉडर्न बन जाता है। बट यहाँ पे एक कोशिश करी गई है कि जो एयरपोर्ट बने वो शहर के लिए बने, शहर वालों के लिए बने, और शहर का जो डिज़ाइन है वो शहर को रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि एयरपोर्ट अपने आप में एक फर्स्ट पॉइंट होता है, जब कोई भी प्लेन लैंड करता है, जब कोई भी खिड़की से बाहर देखता है, तो दैट बिकम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ विजन टू द सिटी एंड ऑल्सो द लास्ट पॉइंट ऑफ विजन, बिकॉज जब वो डिपार्चर्स पे आता है तो वो उसका एक आखिरी पॉइंट बनता है। सो उस टर्म्स में एक बिल्डिंग में एक डिज़ाइन शुड कैप्चर द एसेंस ऑफ द सिटी, दिस इज़ वॉट इट हैज़ फोकस्ड ऑन। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप काफ़ी समय से यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या लगता है ओवरऑल किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, और इसके साथ यहाँ पे जो कलाकृति की गई है या जो नक्काशी की गई, उसको लेकर के? इट हैज़ बीन वंडरफुल। आई थिंक हमें एक वी नीड टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर बिलीविंग इन अस कि हम एक पुरानी संस्कृति, पुराने आर्किटेक्चर, पुरानी जगह की अहमियत को हम वापस ला सकते हैं, एंड जो कि आजकल लोग भूल जाते हैं। एंड ऑफ़ कोर्स जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, जो एक्चुअली ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, विदाउट हुम इट कैन नॉट बी डन, इट इज़ हैट्स ऑफ टू देम।